हेलो दोस्तों, आपने टंटाबिल से जुड़ी कई घटनाएं सुनी होगी। निमाड़ के इस क्रांतिकारी का नाम आते ही आदिवासियों के सीने गर्व से चौड़े हो जाते। आज के इस एपिसोड में आदिवासी मिस्ट्री आपके लिए लेकर आए टंटाबिल के जीवन की कुछ रोचक घटनाएं जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। टंटाबिल का जन्म गरीब कन्याओं की शादी कराना, निर्धन व असहाय लोगों की मदद करने से टंटाबिल की बीवी बात है। एक नए अंग्रेज अधिकारी ने टंटाबिल को पकड़ने की चुनौती दी। वह रेलवे स्टेशन पर अपने लगेज के साथ उतरा। आसपास कहीं कोई कुली नजर नहीं आ रहा था। पुलिस अधिकारी को देखकर एक गांव का आदमी पास आकर कहता, साहब यहां कोई भी कुली नहीं है, चलो मैं अपना सामान पुलिस स्टेशन तक पहुंचा देता हूं। इंस्पेक्टर को उस व्यक्ति की बात बहुत अच्छी लगी। उसने अपना सामान उस ग्रामीण व्यक्ति के सिर पर चढ़ा दिया और पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूरी पर चलने के पश्चात वह व्यक्ति सुनसान जगह पर रुक गया और कहता है, साहब मैं आपके लगेज की वजह से थक चुका हूं, अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए नीचे उतार ले तो मुझे आराम मिलेगा। जैसे ही ऑफिसर ने सामान उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसने उसकी पिस्तौल छीन ली और मैंने थोड़ी सी भी गलती की तो वह मुझे जान से मार देगा। नाई की बातें सुनकर पुलिस अधिकारी को बहुत खुशी हुई। जिस टंटे को पकड़ने के लिए वह दिन रात एक कर रहा था, उसका सुराग मिल गया। अंग्रेज अधिकारी ने नाई को इनाम देने की बात कहकर टंटे का पता पूछा। नाई ने कहा, जहां तक मेरा अनुमान है अगले 2-3 दिन में टंटे मुझे दाढ़ी बनवाने के लिए बुलाएगा। आप सिविल ड्रेस में मुझसे कुछ दूरी पर छिपे रहना, बाद में उसको पकड़ लेना या मार देना। कुछ दिनों बाद नाई की मुखबिरी पर वह ब्रिटिश अफसर नाई के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर सुनसान जंगल में नाई कहता है, जिस टंटाबिल को तुम पकड़ने आए हो वह तुम्हारे सामने खड़ा है। टंटा ने उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया और उस तरह से उसकी नाक काट दी। उसके बाद कोई भी टंटे को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। टंटा अपने गिरोह को 3 भागों में विभाजित करता है। पहला भाग बिजनेस संभालता है, दूसरे की जिम्मेदारी दोपहर पर थी और तीसरा भाग खुद टंटा मामा संभालता था। 14 अगस्त 1889 की शाम नवगजली बाबा की मजार में बाबा के सामने महुए का दिया जल रहा था। तभी टेकड़ी के पास की नदी से किसी के आने की आहट सुनाई दी। तभी मंगलिया खड़ा होकर देखने लगा, आखिर इतने अंधेरे में भंती नदी को पार करके कौन आ सकता है। फिर वह व्यक्ति थोड़ा नजदीक आया और नवगजली बाबा की मजार पर माथा टेक कर खड़ा हुआ। दिए की रोशनी में मंगलिया को उस आदमी का थोड़ा चेहरा घबराया हुआ दिखाई दिया। अरे रघु, इतनी रात को क्यों आ गया रे, और तू अकेला ही कैसे? टंटिया मामा कहाँ है? रघु टंटिया मामा के साथ हमेशा परछाई की तरह रहता था। उसको अकेला देखकर मंगलिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। धोखा दे दिया मंगलिया, टंटिया मामा को दुश्मन ने धोखा दे दिया। रघु को जैसे कोई सदमा लगा हो। नहीं नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, टंटिया मामा का तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। नवगजला बाबा का आशीर्वाद है उन पर, तो कुछ भी मत बक मंगलिया। अपने जिगरी यार रघु को गले लगा लिया और सांत्वना देने लगा, और ऐसा लग रहा था जैसे रघु का पूरा शरीर ढीला पड़ गया। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, टंटिया मामा के साथ दुश्मन ने धोखा कर लिया। यह खबर पूरे निमाड़ में आग की तरह फैल गई। इस खबर पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि टंटिया मामा को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था। कई बार टंटिया मामा को ब्रिटिश अफसर ने पकड़ा, लेकिन मामा भी सबका बाप था। जेल से ऐसे गायब होता था जैसे कोई पंछी उड़ गया। लेकिन इस दिन बात कुछ और ही थी, क्योंकि किसी अपने ने टंटिया मामा के साथ दगा किया था। समूचे भारतवर्ष में हाहाकार मच गया। आखिर कौन था वह गद्दार जिसने कुछ पैसों की लालच में टंटा भील से गद्दारी की।